नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव का जनादेश ऐसा है कि सरकार सहयोगियों के सहारे चलेगी और सहयोगियों में भी सबसे ज्यादा नजर टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू पर है। टीडीपी के 16 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं और आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों में से 21 सीटें एनडीए को मिली है। मतलब ये कि एनडीए में चंद्रबाबू एक ताकतवर शख्सियत हैं, उनके कंधों पर राज्य की उम्मीदों का बोझ भी है। लिहाजा आंध्र के लोगों को उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र से सूबे के हितों के लिए मजबूत तालमेल करेंगे। आंध्र के लोगों को लगता है कि बंटवारे के बाद उनके साथ न्याय नहीं हुआ, लिहाजा चंद्रबाबू नायडू जब केंद्र से बात करें तो आंध्र प्रदेश के हक की आवाज बुलंद करें। चंद्रबाबू नायडू सख्त और सयानी मोलतोल के लिए जाने जाते हैं और इस बार आंध्र प्रदेश में मिला भारी जनादेश ने उनसे उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। माना जा रहा है कि भावी मुख्यमंत्री एक श्वेत पत्र लाएंगे, ये बताने के लिए कि राज्य की वित्तीय हालत कितनी खराब है। वो आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग कर सकते हैं, भले ही राज्य को विशेष दर्जा ना मिलना हो। निवर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की आलोचना हो रही है कि उन्होंने ज्यादातर कल्याण योजनाओं पर ध्यान दिया और बुनियादी ढांचे के विकास, निवेश या रोजगार की अनदेखी करते रहे। बीते 5 साल में सरकार ने 2,53,00,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दिए और 1,68,00,000 अप्रत्यक्ष ढंग से। इन 5 वर्षों में राज्य को भारी उधार लेना पड़ा और अब राज्य का कर्ज 4,00,000 करोड़ से बढ़कर 7,00,000 करोड़ हो चुका है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार की कुल देनदारी 2019 में 2,64,338 करोड़ से बढ़कर 4,85,490 करोड़ हो चुकी है। इसलिए और ज्यादा पैसे जुटाना एक चुनौती हो गया है। इसलिए नायडू के लिए केंद्र में बीजेपी को मिली सीटें वरदान की तरह आई है, वो राज्य के लिए बेहतर मोल तोल कर सकते हैं। उनके सामने कई एजेंडा भी हैं। चंद्रबाबू नायडू को अमरावती में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनानी है। 2014 में इसकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ थी। 2019 तक 15,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए जा चुके थे, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने इस योजना को छोड़ दिया। उन्होंने 3 राजधानियों की वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें कामकाजी राजधानी विशाखापट्टनम है। गोदावरी नदी पर पोलावरम योजना भी पूरी की जानी है, जिससे 7,00,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। नायडू के घोषणा पत्र में 6 गारंटियां हैं, 5 लाख में 20,00,000 नौकरियां, युवाओं को 3,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता, स्कूल जाने वाले छात्रों की माओं को 15,000 रुपए महीना, 19 से 59 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए महीना, साल में हर घर को 3 गैस सिलेंडर और आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में न सिर्फ अपने गारंटीज बल्कि जगन मोहन रेड्डी के कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ विकास और नौकरियों की भी बात की। संसाधन के लिए जूझ रहे राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, लेकिन लोगों को ये पसंद आया। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपनी इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की सियासत में पदयात्राओं का बड़ा महत्व है। 2003 में वाईएसआर ने की, 2014 से पहले चंद्रबाबू नायडू पदयात्रा पर निकले और 2019 की कामयाबी से पहले पिता की तरह जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की खाक छानी। इस बार आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की शानदार जीत का सेहरा नारा लोकेश को दिया जा रहा है, जिन्होंने राज्य भर के 100 क्षेत्रों में घूमकर एक बार फिर प्रदेश के लोगों के साथ तेलुगु देशम को जोड़ा। उमा सुधीर बता रही हैं कि किस तरह से इन चुनावों में नारा लोकेश ने अपने पिता की छाया से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले साल नारा लोकेश ने रोजाना 28,000 कदम चलकर न सिर्फ मंगलागिरी से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता बल्कि तेलुगु देशम की शानदार जीत की भी राह बनाई। 2019 में उसकी महज 23 सीटें आई थी, वो अब बढ़कर 135 हो गई हैं। नारा लोकेश ने युवागलम का कार्यक्रम लिया, इसमें वो 3,132 किलोमीटर चले कुप्पम, जो दक्षिण आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से वो निकले और पहुँचे विशाखापट्टनम तक, और इसमें 226 दिन लगे। इसके बीच उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और उनको समाधान करने का वादा किया जब वो सत्ता में आएंगे। इससे काफी एक पावरफुल कनेक्ट बना उनका लोगों के साथ। जो काम भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के लिए किया, वही युवा गलम ने नारा लोकेश के लिए किया। नारा लोकेश स्टैनफोर्ड से MBA की पढ़ाई करके आए लोकेश को भी उनके विरोधियों ने राहुल गांधी की तरह आंध्र का पप्पू कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन यात्रा के जरिए युवाओं से बात करके, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, मछुआरों की बातें सुनकर और उन्हें भरोसा दिलाकर कि तेलुगु देशम उनकी परेशानियों को कैसे दूर करेगी, लोकेश ने अपनी छवि बदल दी और वो अपने पिता के साये से निकलकर युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई, जो अपने नाना और एंटी रामा राव और अपने पिता चंद्रबाबू नायडू की विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। लोकेश का लक्ष्य युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ना था, इसीलिए उनकी पदयात्रा का नाम युवा गलम या युवाओं की आवाज रखा गया, जिसमें उनका खास ध्यान रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर रहा। अपने पिता के कार्यकाल का हवाला देते हुए उन्होंने उद्योग, निवेश और नौकरियां दिलाने का भरोसा दिया। 2014 में लोकेश तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने, फिर विधानसभा परिषद के सदस्य होकर 2017 में राज्य के कैबिनेट में मंत्री बने। यहाँ तक का सफर तो आसान था, लेकिन 2019 में अपने पहले चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 में हमें लोकेश 2.0 नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के चप्पे चप्पे में यात्रा करके कड़ी मेहनत से चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में अपनी जगह बनाई है। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज।